क्या हैदराबाद का चुनाव इस बार ओवैसी हारने वाले हैं? आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर इत्तेमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। कौन है माधवी लता जो सीधे ओवैसी को चुनौती दे रही है? कह रहे हैं कि जब से आई माधवी लता असद भाई लापता। क्या ये चुनौती आसान है? क्या है हैदराबाद की इस ओवैसी की राजनीति का भारत विरोधी इतिहास? हैदराबाद can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish। क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह माधवी लता की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं? कैसे हैदराबाद का चुनाव 2024 के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक होगा? और क्यों ओवैसी का हारना भारत के लिए महत्वपूर्ण है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माधवी लता कौन है और क्यों इस महिला को, जिसका नाम भी अब तक बहुत से लोगों को नहीं पता था, उसे अमित शाह अपने साथ मंच साझा करने के लिए बुला रहे हैं? आखिर क्यों? माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। हर लोकसभा इलेक्शन में सैकड़ों उम्मीदवार एमपी पद के लिए खड़े होते हैं, उनमें से कुछ ही न्यूज चैनल्स तक पहुंच पाते हैं और उन कुछ में से एक आदि ऐसा होता है जिसके प्रोग्राम को स्वयं प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं। यह अपने आप में कुछ अद्भुत बात है कि एक नई कैंडिडेट को स्वयं नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं। तो कौन है माधवी लता? राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म एक शक्ति है और हमें उस शक्ति से लड़ना है। हिंदू धर्म शक्ति है, शक्ति से लड़ना है, सामने बैठी हूं ना मैं। और क्यों इस नाम का जय जयकार हो रहा है? लिए कट्टर हिंदूवादी है क्योंकि हम ये मानते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम कट्टर हिंदूवादी इसलिए है कि हम मानते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। तो माधवी लता बेसिकली भाजपा उम्मीदवार हैं हैदराबाद लोकसभा सीट से और इनके प्रतिद्वंदी हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस सीट से ओवैसी पिछले 4 बार से अर्थात पिछले 20 वर्षों से नहीं हारे और ओवैसी के पहले ओवैसी के पिताजी यहां से 6 बार चुनाव जीते हैं। पिछले 40 वर्षों से यहां केवल और केवल एक ही परिवार है। यहां से नारे लगते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो फिर देखो क्या होता है और भीड़ जमकर शोर मचाती है। उस सीट से एक नई कैंडिडेट और फिर भी हम उस नई कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? जिस सीट पर बहुसंख्यक मुसलमान हैं उस सीट पर एक ऐसी महिला जो सनातन को पहनकर चलती है और सीधा चैलेंज कर रही है हैवीवेट ओवैसी को। नमस्ते गस्तु भगवन विश्वेश्वराय बघा देवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। और केवल यही नहीं, वो जीतने के भी दावे ठोकती है। Whether माधवी लता कैन विन दिस इलेक्शंस और नॉट, I would say yes, very, very much, you know. तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है और अभी तक माधवी लता क्या कर रही थी उस एरिया में? तो माधवी लता ने देश के उस हिस्से में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के विरुद्ध जागृत किया। मुस्लिम महिलाओं के कुछ ग्रुप्स तैयार किए जो ट्रिपल तलाक से लड़ने के लिए उसकी सहायता करते थे और ऐसी महिलाओं को वो इकोनॉमिकली भी सहायता करती थी। माधवी लता अभी तक एक सोशल वर्कर के रूप में एक और हेल्थ कैंप, फ्लड एड लगा रही थी, स्वच्छ भारत से इंस्पायर होकर टॉयलेट्स बनवा रही थी या लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप दे रही थी। दूसरी ओर सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए जमकर काम कर रही थी क्योंकि उन्हें लगता है कि सनातन से ही शांति आ सकती है। हैदराबाद में ऐसे मुद्दे जो कदाचित कभी उठे ही नहीं, वो मुद्दे माधवी लता उठाने का प्रयास कर रही हैं, जैसे अनेकों मुस्लिम लड़कियों को दुबई में निकाह के लिए बेच दिया जाता है। कई बार तो एक ही लड़की को कई बार बेच दिया जाता है। एक लड़की जिसे 18 बार बेचा गया उसकी कहानी माधवी लता ने सुनाई। एक और मुस्लिम महिलाओं का वो दर्द, वो मुद्दे जो कभी उठे ही नहीं, दूसरी ओर हिंदुओं के दर्द पर ओवैसी से प्रश्न। अब मुख्तार के मौत पे जाते हो आप मातम मनाने और 8 लड़कियों का सर फूट गया वहां पर। एक लड़की तो गर्भिणी थी वहां पर, प्रेग्नेंट थी, आप वहां तक गए नहीं? हम बोलते हैं बराबर। क्या ये स्ट्रेटजी हैदराबाद में काम करेगी? वो तो समय बताएगा। पर हैदराबाद में ओवैसी ही क्यों जीतता रहा है, उसका उत्तर जानने के लिए हैदराबाद का इतिहास जानना होगा। वो आगे देखते हैं। क्या ये स्ट्रेटजी हैदराबाद में काम करेगी? वो तो समय बताएगा। पर हैदराबाद में ओवैसी को हराना क्यों आवश्यक है और ये कितना कठिन काम है, इसका उत्तर जानने के लिए हमें हैदराबाद का इतिहास जानना होगा। तो वो हम आगे देखते हैं।
क्या जिस युद्ध में माधवी लता हिंदुत्व के नारों के साथ कूद पड़ी हैं, उसे जीता जा सकता है? ये समझने के लिए उनके समक्ष कौन खड़ा है ये समझना होगा। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बसा तेलंगाना और इस राज्य की राजधानी हैदराबाद, जो इस समय आपको मैप में दिख रहा है वो है हैदराबाद का लोकसभा क्षेत्र, जहां 1984 से आज तक केवल एक पार्टी सत्ता में रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। लगभग 40 वर्षों से ये पार्टी वहां पर चुनाव नहीं हारी है, पर क्यों? बहुत से रीजंस हैं इसके, पर उन्हें समझने के लिए थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। AIMIM का पूरा नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, पर ऑल इंडिया इसमें बाद में जोड़ा गया है। जब 1927 में ये पार्टी बनी तो इसका नाम था MIM, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, और इसे बनाए जाने का कारण था भारत के विभाजन का समर्थन करना। लगभग 1938 तक ये पार्टी केवल एक सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन थी जो निजाम के लिए कार्य करती थी बहादुर शाह जंग की अगुवाई में। अब ये बहादुर शाह जंग 1944 में मारा जाता है और MIM की बागडोर कासिम रिजवी के हाथ में आ जाती है। कौन था ये कासिम रिजवी? तो जी 1938 में इसी बहादुर शाह जंग ने एक पैरामिलिट्री फोर्स का निर्माण किया था जिसका नाम था रजाकार। ये एक सशस्त्र दल था हैदराबाद के मुस्लिम शासक के नीचे और इसका लक्ष्य ही हैदराबाद को भारत से पृथक करने का था। कासिम रिजवी इसी रजाकार संस्था का चीफ था और इसी के हाथ में 1944 में MIM पार्टी की बागडोर आ गई, जो बाद में आज की AIMIM बनी है। अब AIMIM के कांड को समझने के लिए कासिम रिजवी के कांड को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान और हैदराबाद के मध्य की दूरी के कारण हैदराबाद पाकिस्तान में नहीं मिल सकता था स्वाधीनता के समय, तो इसी कारण कासिम रिजवी ने निजाम को हैदराबाद का हस्तांतरण भारत में ना करने के लिए कह दिया। और ये व्यक्ति अपनी राजाकार आर्मी से कहता था कि हाथों में तलवार पकड़कर मरना कलम द्वारा लिखे गए एक वाक्य द्वारा लुप्त हो जाने से बहुत अच्छा है। हैदराबाद कैन सॉल्व द माइनॉरिटी प्रॉब्लम ऑफ द होल सबकॉन्टिनेंट ओनली इफ यू विश। Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. कासिम रिजवी के अनुसार हिंदुओं को मुसलमानों का गुलाम बनाए रखना मुसलमानों का अधिकार था और ये कहता था कि यदि भारत हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो मैं पूरे भारत में विप्लव की स्थिति ला दूंगा, हम मरेंगे पर भारत को समाप्त कर देंगे। ये सभी बातें करके कासिम रिजवी ने 2,00,000 की फौज खड़ी कर ली थी और ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, क्योंकि कासिम रिजवी के नीचे राजाकार ने हिंदुओं का ऐसा संहार किया था जिसे शायद ही आपने सुना। एक्चुअली 1947 में स्वाधीनता के पश्चात हैदराबाद के निजाम ने भारत से मिलने पर निर्णय बनाने के लिए एक साल मांगा था, यानी अगस्त 1948 तक का समय, और इस समय के मध्य राजाकार ने हैदराबाद के गांव-गांव में घुसकर मास कन्वर्जन्स चालू कर दिए थे। इनमें से एक गांव की कहानी सुनिए। वीरा बैरनपल्ली नाम के एक गांव में राजाकार घुसे लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए और ये प्रयास 3 बार किया गया, पर लोगों ने गुलेल और घरेलू शस्त्रों का प्रयोग करते हुए इस प्रयास को नाकाम किया। चौथी बार राजाकार जो थे वो निजाम की मदद से एक त्योहार के समय घुस गए इस गांव में। गांव की रक्षा कर रहे सुरक्षा कर्मियों को पॉइंट ब्लैंक पर मारा गया और उसके बाद केवल उस एक गांव में 96 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। क्या आबादी रही होगी उस समय उस गांव की? इस गांव में लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया गया था, यौन हिंसा की गई थी, लोग इस दुर्दांत अपराध से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे या जंगल में भाग गए थे, आसपास के मंदिर लूट लिए गए थे और ये कहानी जगह जगह चली थी। एक अन्य गांव में 200 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी गई थी और इन राजाकार्स का नारा था, बामन को लूटो, बनिया को काटो, आपस में सब बांटो। के एम मुंशी अपनी पुस्तक एंड ऑफ एन ईरा में ऐसी 260 घटनाएं बताते हैं। जब इतना सब हो गया तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया सरदार पटेल के द्वारा, जो 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 के मध्य चला, और इस ऑपरेशन के बाद हैदराबाद का निजाम कुछ इस पोज में था सरदार पटेल के समक्ष। कासिम रिजवी, जो राजाकार आर्मी का और MIM पार्टी का चीफ था, उसे जेल में डाल दिया गया और 1957 तक वो जेल में ही बंद रहा। उसे छोड़े जाने की 1957 में शर्त रखी गई थी कि उसको पाकिस्तान माइग्रेट कर जाना पड़ेगा। ये MIM यानी आज की AIMIM यानी OSC की पार्टी का आरंभ था भारत और हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध के द्वारा, पर स्वाधीन भारत में राजाकार ने फिर कैसे हैदराबाद पर कब्जा कर लिया वो आगे देखते हैं। देखिए, एक पार्टी जिसका जन्म भारत को तोड़ने के लिए हुआ था, आज वही पार्टी भारत के एक क्षेत्र में 1984 से राज कर रही है, अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार भी करती जा रही है। ये अकस्मात तो हो नहीं गया होगा, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 1957 में कासिम रिजवी पाकिस्तान जाने से पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी नाम के एक व्यक्ति को MIM पार्टी के बागडोर देकर चले गए थे, जिसने इस पार्टी के नाम के आगे ऑल इंडिया और लगा दिया और यहाँ से इस पार्टी का नाम बन गया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जब इस जहरीली पार्टी की बागडोर संभाली तो ये पार्टी टूटी पड़ी थी, लीडर्स जेल में पड़े थे फॉर ऑब्वियस रीजंस।
इन शॉर्ट जहर की फैक्ट्री पर ऑलमोस्ट ताला लगा हुआ था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस पार्टी को जोड़ना आरंभ किया और इस पार्टी का लक्ष्य था मुसलमानों को जोड़ना। क्या विचार थे अब्दुल वाहिद ओवैसी के भारत और हिंदुओं के प्रति? अब्दुल वाहिद ओवैसी को 14 मार्च 1958 को हैदराबाद पुलिस के एक ऑर्डर के द्वारा 1950 के प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत 11 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। क्या कर रहे थे वो ऐसा? तो जी, अब्दुल वाहिद ओवैसी अपनी स्पीचेस के द्वारा क्षेत्र के मुसलमानों के हृदय में नॉन मुस्लिम्स के विरुद्ध जहर भर रहे थे। कासिम रिजवी की तरह ये आदमी भी पेशे से वकील था और इनका पोता असदुद्दीन ओवैसी वो भी एक वकील है। जेल में रहकर अब्दुल वाहिद ओवैसी समझ गए थे कि पार्टी को भारत के संविधान में रहकर ही चलाना होगा, और जब ऐसा किया गया तो AIMIM केवल एक मार्जिनल प्लेयर बनकर रह गई हैदराबाद की राजनीति में, जो कि एक आध सीट भी कभी मुश्किल से जीतती थी, वो भी विधानसभा की। परंतु 70 के दशक में चीजें बदलने लगती हैं। 1969 में AIMIM को अपना पुराना पार्टी ऑफिस मिल जाता है, जो कि 4.5 एकड़ में फैला था पुराने हैदराबाद में, और इन्हें कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है, जिससे AIMIM एक ITI का कॉलेज खोल लेती है और एक वुमेन डिग्री कॉलेज भी खोलती है। इन सब चीजों से थोड़ा पैसा आना शुरू होता है। परंतु 1976 में अब्दुल वाहिद ओवैसी की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी को पार्टी की बागडोर मिल जाती है। 1979 में हैदराबाद में बड़े दंगे हो जाते हैं और यहां से मुस्लिम पक्ष के साथ खड़े होकर AIMIM फ्रंट रनर बन जाती है। यहां से वो भाषण आरंभ होता है जो आज तक चल रहा है और जिसके शब्दों ने 1984 में AIMIM को हैदराबाद की सत्ता तक पहुंचाया। सलाहुद्दीन ओवैसी कहता है कि भारत गणराज्य ने मुसलमानों को उसके भाग्य पर छोड़ दिया है, मुसलमानों को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, राज्य कुछ नहीं करने वाला उनके लिए। 1962 में जो वोट केवल 52,000 मिले थे AIMIM को, वो 1984 में लगभग 2.5 लाख हो गए थे और 1989 में 4 लाख पार हो गए थे। तब से आज तक AIMIM सत्ता से बाहर नहीं हुई है। अप्रोच हमेशा की तरह हार्डलाइन ही रही है, चाहे 15 मिनट वाली बकवास हो या फिर तस्लीमा नसरीन पर अटैक करना हो, पर उस क्षेत्र का मुसलमान ओवैसी को सपोर्ट करता है। पर फिर क्यों है हैदराबाद का चुनाव इतना महत्वपूर्ण? क्या कोई उलटफेर हो सकता है? और ओवैसी की जड़ों को खोदा जाना इतना मुश्किल क्यों है इस क्षेत्र में? वो आगे देखते हैं। हैदराबाद का इतिहास जानकर आपको कुछ आइडिया तो आ ही गया होगा कि हैदराबाद कितना आवश्यक है, परंतु हैदराबाद की लड़ाई कितनी बड़ी है और हैदराबाद ओल्ड सिटी को ओवैसी का गढ़ क्यों कहते हैं, वो इस अध्याय में पता चलेगा। रिसेंटली किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। दीज आर द पीपल टुडे वांट टू टॉक अबाउट पीस। मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटक ड्रामा करना। 2019 के चुनावों में नरेंद्र मोदी की और भाजपा की वेव अच्छी खासी थी। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक भी की गई थी, जिससे प्रो इनकम्बेंसी और अधिक बढ़ चुकी थी। लेकिन हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के जे भगवंत राव को 2,82,000 वोटों से हरा दिया था। यह विजय मार्जिन 2019 के सबसे बड़े मार्जिन में से एक था। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी का डेब्यू था और वो 1,00,000 वोटों से जीता था। 2019 तक बढ़ते बढ़ते ये मार्जिन 3.25 लाख वोट्स के मार्जिन तक पहुंच गया। और यदि 2019 इलेक्शन की वोट परसेंटेज को देखें तो AIMIM को 59.3% वोट्स मिले और भाजपा को 27% और कांग्रेस को 5.7%। अब इस डेटा में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 59% मुस्लिम जनसंख्या है और यही सीधा का सीधा जो है 2019 के चुनावों में दिखता भी है, क्योंकि इतने ही प्रतिशत वोट AIMIM को मिले। जो वोट परसेंटेज 2014 के चुनावों में AIMIM को 53% मिला था, वो 2019 के चुनावों में 59% था। और इस बात के दो अर्थ निकलते हैं। एक, ओवैसी की लोकप्रियता हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में हर बीते वर्ष बढ़ रही है, और दूसरी बात यह कि हर बीते वर्ष यहां का ध्रुवीकरण बढ़ता ही जा रहा है। और यदि तेलंगाना स्टेट की बात करें तो ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मात्र 9 कैंडिडेट खड़े करे स्टेट इलेक्शंस के लिए और उसमें से 7 जीत गए। यह दर्शाता है कि ध्रुवीकरण किस लेवल पर है यहाँ। 1984 से 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता 6 बार लगातार हैदराबाद से चुनाव जीते। 2004 से 2019 तक 4 बार असदुद्दीन चुनाव जीते। पिछले 10 चुनाव 40 वर्ष केवल बाप बेटे के नाम रहे। अब इसे भी यदि आप गढ़ ना माने तो किसे मानेंगे? अब भाजपा की हृदयगामी इच्छा यह है कि इस अभेद्य किले को कुछ भी करके भेजा जाए, और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2020 के हैदराबाद के
म्युनिसिपल इलेक्शंस में, जिन्हें जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शंस के नाम से जाना जाता है, उन इलेक्शंस में भाजपा की ओर से प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस और तेजस्वी सूर्या जैसे बड़े लीडर्स आए थे। और तो और, मोदी जी स्वयं इन म्युनिसिपल चुनावों से एक दो दिन पहले वैक्सीन ड्राइव के बहाने से हैदराबाद पहुंचे थे, जिसका उद्देश्य इन चुनावों पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालना था। वहां के कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस लेवल पर कैंपेनिंग म्युनिसिपल चुनावों के लिए हुई है। केसीआर ने कभी भी म्युनिसिपल चुनावों के लिए ना कैंपेन नहीं किया था, लेकिन भाजपा ने इन चुनावों को इतना बड़ा बना दिया कि केसीआर को भी कई रैलियां करनी पड़ी। ये चुनाव हर मीडिया हाउस ने दिखाया था और इन म्युनिसिपल चुनावों को भी ना पोलराइज करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया था। योगी जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम जब भी तेलंगाना में चुनाव जीतेंगे तो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखा जाएगा। स्मृति ईरानी ने AIMIM पर आरोप लगाया कि वो एंटी नेशनल्स को संरक्षण देते हैं। जब भाजपा ने छोटे से म्युनिसिपल चुनावों को अपनी साख का विषय बना लिया था तो ये तो लोकसभा इलेक्शंस हैं, इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। पर इस सब के बीच माधवी लता या भाजपा के कितने चांसेस हैं हैदराबाद से चुनाव जीतने के, वो आगे देख। हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 60% मुस्लिम आबादी वाले इस एरिया में मुसलमानों के आज के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको हराना कोई किशमिश चबाने जैसा काम नहीं होगा, वो भी तब जब वो नेता स्वयं को गाजी बता रहा है। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे, और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। होता वो भी तब जब ओवैसी CA के विरुद्ध सबसे अधिक वेग से आवाज उठा रहे हैं। मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा, मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूँ कि CAA को NPR NRC जोड़ के देखना चाहिए, सच साबित हुई। वो वैसी जो राम मंदिर से लेकर हर उस बात पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कदाचित भारत के अल्पसंख्यकों का एक बड़ा वर्ग सुनना चाहता होगा। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर इत्मीनान भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरोली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे, मेरी मस्जिद है। तो ऐसे में क्या माधवी लता ओवैसी की भूमि को हिला पाएंगी? वो भी तब जब म्युनिसिपल इलेक्शंस में भाजपा इतने हैवी वेट्स को लाई और उसके बाद भी चुनाव हार गई। जब भाजपा म्युनिसिपल इलेक्शंस इस एरिया से नहीं जीत पाई तो क्या वो लोकसभा चुनावों में स्वयं ओवैसी को हरा देगी? ये सपना थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, परंतु माधवी लता के तेवर कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। कुरान शरीफ उनकी, शरीयत उनकी, कानून उनके, लड़कियां उनकी, निकाह उनके, शादियां उनकी, आप कौन है बीच में बोलने वाले? I am the citizen of this country who keeps the right to interfere into the pain of any woman or any citizen of this country. Confidence उन व्यक्तियों में होता है जो ग्राउंड वर्क काम करते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस अन्नामलई में भी दिखाई देता है और वो तमिलनाडु के अभेद्य किले को भेदने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शंस है ना, वो तेवर से नहीं, वोट से जीते जाते हैं। अब कई लोगों का कहना है कि टी राजा भी तो तेलंगाना के गोशा महल से जीतते आ रहे हैं, वह भी तो ओवैसी का ही एरिया है। लेकिन वहां मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ना, वो मात्र 24% है, और 24% मुस्लिम पॉपुलेशन के एरिया में जीतना और 60% मुस्लिम पॉपुलेशन के एरिया में जीतना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। यदि देखें तो भारत में 15 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, और इन 15 सीटों में से एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली। तो क्या ये ट्रेंड टूट सकता है, और यदि टूट सकता है तो कैसे? तो इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए भाजपा के पास कुछ तरीके हैं जो भाजपा करती हुई दिखाई भी दे रही है। पहला, हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करना। 2014 में भाजपा को 32% से कुछ अधिक वोट मिले थे, 2019 में यह आंकड़ा 26% पर गिर गया, यानी बढ़ने के स्थान पर घट गया। तो माधवी लता की जो हिंदूवादी छवि है, उससे हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देता है। और यदि 40% हिंदुओं में से 35% हिंदू वोट भी भाजपा को मिल जाता है तो भी 60% अभी भी बहुत दूर है।
इसके अलावा दूसरी चीज जो भाजपा करती हुई दिखाई दे रही है वो है मुस्लिम वोटर्स में सेंध। माधवी लता एक महिला है, वो महिलाओं से जुड़े हुए, मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही हैं। लड़कियों के बीच में आप काफी लंबे समय से काम करती रही हैं, ट्रिपल तलाक को लेकर आपने उनके लिए काम किया, उनकी सेहत को लेकर आपने काम किया, उनको आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से सहायता भी प्रदान कर रही हैं। और माधवी लता की एक अच्छी रेपुटेशन भी है मुस्लिम महिलाओं के बीच। हिंदू महिलाओं को तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, बड़े जोश पे है, नारी शक्ति दम लगाकर हैसा पे है। हाँ, मुसलमान औरतों, पसमंदा औरतों, लड़कियों में बहुत सारा अभी उम्मीद आया है मोदी भाई के योजनाओं के वजह से भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका इस्लाम के विरोध में या मुसलमानों के विरोध में कोई बयान नहीं है। और यदि 10-15% मुस्लिम महिला वोटर्स का वोट यहाँ से कट जाए तो एक अलग कहानी हो सकती है। और तीसरा काम जो भाजपा करती हुई प्रतीत हो रही है वो ये कि पसमंदा मुसलमानों के मुद्दों को उठा रही है। हैदराबाद में भी एक अच्छी खासी संख्या पसमंदा मुसलमानों की है। क्या भाजपा पसमंदा मुसलमानों के वोट्स को अपर कास्ट ओबीसी के खिलाफ तोड़ पाएगी? वैसे अभी तक के आंकड़ों से ऐसा होता हुआ तो दिखता नहीं है, पर अगर हो जाए तो कहानी कुछ बदल सकती है। और अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम वो है माहौल बनाने का, या अंग्रेजी में कहें बज क्रिएट करने का। और भाजपा ऐसा करती हुई दिख रही है, फिर चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या अन्य कई माध्यमों से। बहुत सारे वोटर्स ना ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो जिसे वोट करें उनका कैंडिडेट जीत जाए। ऐसे लोग अक्सर पॉलिटिक्स में कम ही इंटरेस्ट रखते हैं और इसलिए वो जीतने वाले कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। तो इस बज के कारण भी 1% को बढ़ाया जा सकता है। मोटे रूप से देखें तो ओवैसी का जो किला है वो अभेद्य दिखता है, परंतु भाजपा एक अच्छी स्ट्रेटेजी से हैदराबाद में काम कर रही है, कैंडिडेट भी बढ़िया है, तो हो सकता है स्थिति कुछ बदले। बाकी हैदराबाद जीतने का इंपॉर्टेंस क्या है वो अगले अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। हैदराबाद का चुनाव बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, मुस्लिम बहुल है, और हैदराबाद में यदि बीजेपी अच्छा कर रही है तो उसका असर पूरे क्षेत्र में होता है, यहाँ तक कि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी। परंतु ये बात बीजेपी के लिए आवश्यक है, देश के लिए हैदराबाद का चुनाव क्यों आवश्यक है? 2020 में NTCA प्रोटेस्ट के मध्य AIMIM के नेता ने टीवी पर कहा था कि अभी तो हमारी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, जब हमारे पुरुष मैदान में आएंगे तो सोचना तुम्हारा क्या होगा, जबकि हम तो केवल 15 करोड़ हैं और तुम 100 करोड़। ये रिपीट टेलीकास्ट था अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान का। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा कर बता देंगे। इस दिमाग में चढ़ चुके जहर को उतारने के लिए हैदराबाद का चुनाव आवश्यक है भारत के लिए। कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति को इस फैलाए हुए जहर के उपरांत भी इनसफिशियंट एविडेंस कहते हुए छोड़ दिया गया। इस कारण से हैदराबाद का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन राजाकारों ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उन्हीं राजाकारों को गौरव से अपना बाप बताने वाले यदि हैदराबाद जीतते हैं तो भारत के लिए डूब मरने वाली बात है। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और मुसलमानों की जमात है, हिंदुस्तान के तोपों के सामने अपने सीनों को पेश करने वाले रजाकारों की जमात है। अरे अकबर ओवैसी तो सिर्फ 2-4 गोलियों के लिए अपने सीने को पेश किया है, मेरे आबा अजदाद ने तो तोपों के सामने अपने सीनों को पेश किया था। मजलिस खत्म नहीं हुई, आज भी जिंदा है अकबर ओवैसी। क्या 1000 अकबर ओवैसी खत्म हो जाए तो खुदा की कसम मजलिस खत्म नहीं होगी। जिस मजलिस ने संपूर्ण हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहा, उसी मजलिस को आज जिंदा कहा जा रहा है। बस इसी कारण से हैदराबाद का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ, मैं खाता हूँ। नरेंद्र मोदी तू एक क्या, तेरे जैसे 1000 भी आ जाए तो उनमें हिम्मत नहीं। बीफ के नाम पर गौवध को मंच से चुनौती देने वाले स्वर में बोलकर 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को चुनौती देना, इसके उत्तर के लिए हैदराबाद का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। बड़े ओवैसी द्वारा हिंदुओं को चुनौती देती ये बकवास काफी है ये बताने के लिए कि हैदराबाद का चुनाव भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। संविधान में ये भी नहीं लिखा होगा कि हज के लिए सब्सिडी दी जाए,
जिस व्यक्ति को भारत माता की जय बोलने के लिए भी संविधान में लिखे होने की आवश्यकता पड़े तो ऐसे व्यक्ति पर प्रश्न उठने चाहिए और उन लोगों पर भी प्रश्न उठने चाहिए जो इन लोगों के भाषणों पर तालियां मारती है या इन्हें वोट देती है। और ये प्रश्न माधवी लता उठा रही है। क्या आपको लगता है कि माधवी लता इस चुनाव में बड़ा उलटफेर कर पाएंगी? कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना छोड़ें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें जो आपको बाकी जानकारियां देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।